गांधीनगर क्षेत्र में बुधवार रात्रि को अज्ञात लोगों ने एक बाड़े में खड़े वाहनों को आग लगा दी। अज्ञात लोगों ने बाड़े में खड़ी एक स्कूटी, एक मोटरसाइकिल और कार को आग लगाकर भाग गए। आस पड़ोस के लोगों ने लपटे उठती देखकर पानी डालकर आग पर काबू पाया। गौरतलब है कि 2 माह में ये तीसरी वाहनों को आग लगाने की घटना है, जिससे क्षेत्रवासियों में रोष है। वहीं कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन मालिकों से रिपोर्ट लेकर मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। बाड़मेर शहर के गांधीनगर में असामाजिक तत्वों का आतंक है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। बाड़मेर के गांधीनगर में बुधवार को देर रात करीब 12:30 बजे एक बाड़े में रखी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। अज्ञात लोगों ने एक एक्टिवा, 2 बाइक और एक कार को आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी जाँच शुरू कर दी। 1 महीने में लगातार इस तीसरी घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नवरात्रा में 4 वाहनों और फिर 1 बाइक को आग लगाने के मामले में अभी भी कोतवाली पुलिस के हाथ खाली है। वैसी ही घटना बुधवार रात को एक और घटना शहर के गांधीनगर में दहशत फैला गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार 12:30 बजे भीकनाथ के घर के पास स्थित एक बाड़े में रखी एक एक्टिवा, 2 बाइक और एक कार को आग के हवाले कर दिया गया। पीड़ितों के मुताबिक अगर वक्त रहते उनका परिवार नहीं जगा होता तो वहाँ पड़ी गैस की टंकी में आग लग जाती और बड़ा भयावह हादसा हो सकता था। पहली बात तो ये बताया कि बहुत खौफ है हमारे एरिया के अंदर, बहुत परेशान भी है लोग, और बहन बेटी का भी आज बहुत दर्द है। मेरे पीछे मेरी सिस्टर खड़ी है, वो भी बताएगी कि दर्द क्या होता है। कल ये रात को 12:10 मिनट पे आग लगाई, ये सो रहे थे, ये जाग गए। भाई तो ये नहीं जागते तो ये सिलेंडर फटता और इनके घर में मातम मच जाता। तो जैसे कि 2 दिन पहले बाजार में हुआ और बस वाला भी हुआ, और नॉर्थों में हमारे एरिए में 4 गाड़ियाँ भी जली थी। उसके 10 दिन बाद में किसी नशेड़ी ने एक गाड़ी भी चलाई थी। तो ये लगता है युवा नशे की लत में पड़े हैं और एक दूसरे के विवाद के चक्कर में लोगों का नुकसान। मंदिर कमरे में सो रहे थे, हमारा लड़का अपना कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, एकदम बाहर निकला, बोलता है पटाखे टाइप की स्कूटी में से कुछ आवाज आई, बाहर निकले बोले गाड़ियाँ जल रही है। हमने फटाफट बाल्टियों से लेकर पानी डाला, गाड़ियों की आग बुझाई। ये तो गाड़ी में मतलब हम जग गए और हमने टाइम पे देख लिया। अगर हम टाइम पे नहीं देखते तो ये 4-व्हीलर खड़ी थी और हमारा गैस का सिलेंडर 2 दिन पहले हमने भरा हुआ लगाया है। अगर ये सब फट जाते तो हम तो नहीं बचते। अगर घर में घुस के अगर लोग ऐसा करते हैं। एक तरफ जहां लगातार 3 घटनाओं के बाद भी पुलिस की किसी भी कार्रवाई के नहीं होने के चलते लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, वहीं इस घटना के बाद अब पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। अब देखने वाली बात यह रही कि अब कोतवाली पुलिस क्या कदम उठाती है।